हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे विंटर के फूलों वाले पौधे जिनको आप नवंबर के महीने में कटिंग लगा करके अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। पूरी अपडेट के साथ, रिजल्ट के साथ वीडियो में आज आपको दिखाने वाली हूँ क्या इनकी कटिंग ग्रो होती है, कैसे इनकी कटिंग को लगाना है और कितने दिन में इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। पूरी अपडेट और रिजल्ट के साथ आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फूलों वाले वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम नवंबर के महीने में कटिंग लगा करके अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट में पहला पौधा जो हमारा आता है ये है जैस्मिन की ही एक वैरायटी है, इसको कुंदा या जूही बोलते हैं। इसके फूलों में से खुशबू आती है, ये विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करती है। इसमें अब इस टाइम पर ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसकी देखिए, इस तरीके से आपको 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है और 2 नोड एरिया सोयल के अंदर आपको करने हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग को लगा देना। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 दिन पहले मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं ऊपर आ गई हैं। इसको मैं अभी निकाल तो नहीं रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी है, तो अभी इसको इसी में ही ग्रो होने देते हैं। और ये कटिंग बिल्कुल जैसे ये वाली कटिंग आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही कटिंग लगाई थी। तो इसको भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है ये मिनी चांदनी। मिनी चांदनी भी विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसमें इतनी हैवी ब्लूमिंग होती है कि जब ये फुल ब्लूमिंग पर होते हैं तो पौधे में पत्तियां नजर ही नहीं आती, फूल ही फूल नजर आते हैं। तो इनकी भी इस तरीके से देखिए, टिप की कटिंग लेनी है 2 से 3 इंच की और इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। तो चलिए इसको निकाल करके देखते हैं। 8 से 10 दिन बाद इस कटिंग में देखिए कितने अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई है, कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट देखिए, यूफोरबिया मिली। ये ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी दोनों वैरायटी में आते हैं, बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। सभी वैरायटी इनकी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से इनकी भी टिप की 3 से 4 इंच की आपको कटिंग लेनी है और लगा देनी है। कुछ नहीं करना है, सिंपल रिवर्स हैंड में कटिंग को लगाना है। कटिंग को लगाने के बाद कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है, 5 से 6 दिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड, लगभग 20 से 25 दिन पहले मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। ये येलो कलर की है, येलो कलर मेरे पास नहीं है तो इसकी कटिंग मैं कहीं से मांग करके लेकर आई थी। ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। नेक्स्ट देखिए, डैंथस को भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये तीनों पौधे मेरे लास्ट ईयर के बचे हुए हैं। तो इसकी कटिंग को देखिए इस तरह से आपको लेना है, टिप की कटिंग लेनी है, नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और इस तरीके से लगा देना है। डैंथस में रूटिंग थोड़ा देरी से होती है, 15 से 20 दिन लगभग लग जाएंगे इसमें रूटिंग स्टार्ट होने में। तो देखिए, लगभग 15 से 20 दिन पहले ही मैंने ये कटिंग लगाई थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इसको भी आप कटिंग से जरूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट पौधा है ये रोज का। रोज विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और ये हाइब्रिड हो या देसी हो, कोई सी भी इनकी वैरायटी हो, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए इनकी कटिंग को लेना है, लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है और लगा देनी है। मैंने अपने पौधों को प्रून किया था, देखिए लगभग 5 से 6 ये कटिंग मैंने लगाई थी। लगभग 15 से 20 दिन इनको हो गए हैं। तो देखिए इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, कटिंग ये ग्रो हो गई है। तो इनकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कीजिए। नेक्स्ट देखिए, कलेंचो। ये वेरीगेटेड कलेंचो है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये नॉर्मल वाली इनकी वैरायटी है। इन सभी को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो इनकी कटिंग भी लगभग 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाती है। देखिए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लगभग 8 से 10 दिन ही अभी हुए हैं, ये वेरीगेटेड कलेंचो की कटिंग है। देखिए कितने अच्छे से इसमें रूटिंग हुई है। तो इसकी कटिंग को भी आप लगाइए। ये नॉर्मल वाली वैरायटी, जो देसी वाली वैरायटी होती है, इस पर रेड कलर के फ्लावर आते हैं। इसकी कटिंग भी देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। नेक्स्ट पौधा है ये जेरेनियम। जेरेनियम भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास इनके मदर प्लांट बचे हुए हैं तो उनको आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर लीजिए। मेरे पास भी जो इनके मदर प्लांट थे तो वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इनकी मैंने कटिंग लगा ली थी। लगभग 20 से 22 जो पौधे हैं मैंने अपने बना लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से इनकी जो कटिंग है कितने अच्छे से ग्रो हो जाती है, कितने अच्छे से इनमें रूटिंग हुई है। तो इसको भी आप कटिंग से ज़रूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट देखिए, पिटूनिया। पिटूनिया में इस टाइम पर ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मेरे कुछ पौधे हैं, देखिए आप देख सकते हैं इनमें भी ब्लूमिंग नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके के जो पौधे होते हैं तो इनकी अगर कटिंग हम लगा लेंगे तो ये लैगी लैगी से नहीं होंगे, इनमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी। तो देखिए इस तरीके से टिप की कटिंग आपको लेनी है, नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और लगा देना है। तो इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड चाहे जाफरी हो या हाइब्रिड हो, कोई सी भी हो, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो देखिए ये मेरा एक पौधा है,
इसकी टिप की मैं कटिंग लूँगी, अगर नहीं लूँगी तो ये लैगी लैगी सा फिर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट करेंगे, लगभग 2 से 3 इंच की भी अगर इनकी कटिंग आपको मिल जाती है तो वो भी आसानी से लग जाती है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम कट करेंगे, और जहाँ से हमने इसको कट किया है यहाँ से फिर इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी तो पौधा हमारा घना बनेगा। तो जितना पौधा घना होगा उतनी अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो देखिए इस तरीके से जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं इनकी नीचे की वो सब हटा देनी है। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं जिनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, देखिए इस तरीके से खींचना नहीं है इनको, या तो आप नाखूनों से हटा दीजिए या फिर आप कैंची से कट कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स कटिंग को लगाने के बाद लगभग 5 से 6 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है। दूसरी बात, कटिंग के ऊपर अगर आप एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो कटिंग आपकी बहुत ही जल्दी से ग्रो होगी, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो रूटिंग हार्मोन का काम करता है और ये कटिंग को ख़राब भी नहीं होने देता। तो आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो एलोवेरा जेल तो सभी के घरों में ज़्यादातर मिल जाता है, या फिर रूटिंग हार्मोन पाउडर आपके पास है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही बराबर काम करते हैं। तो आप जैसे मर्जी चाहो वैसे आप कटिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को लगाया है, आपको ये 8 से 10 दिन बाद का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, बन गए हैं इस फ्लावर्स भी, और देखिए आप कटिंग में जो रूटिंग है कितने अच्छे से स्टार्ट हुई है आप देख सकते हैं। एलोवेरा जेल में डिप करके ही इसको लगाया था। नेक्स्ट देखिए नाइट क्वीन या फिर रात रानी भी इसको बोलते हैं, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर लगाइए। इसकी कटिंग भी कहीं आपको पार्क में रोड साइड जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से अभी ब्लूमिंग कर रही है। और देखिए मैंने भी लगभग अपने पौधे को जब प्रून किया था 8 से 10 कटिंग लगाई थी, कटिंग ग्रो हो गई है। मैं इनको अभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी ये छोटी है, क्योंकि निकालने से फिर ये डिस्टर्ब हो जाएंगी। नेक्स्ट पौधा है डहेलिया का, ये लास्ट ईयर के ही मेरे कुछ पौधे बचे हुए हैं तो इन्हीं की मैंने कटिंग लगाई है। लगभग 20 से 25 मैंने इनकी कटिंग लगाई है, तो इनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इस तरीके से टिप की आपको 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है और लगा देनी है। तो देखिए ये जो आप मेरे पौधे देख रहे हैं इनको मैंने तैयार किया है, लगभग 20 से 25 पौधे हैं ये मेरे, और ये लगभग 1 महीने की कटिंग का रिजल्ट है, यानी कि 1 महीने के ये पौधे हो चुके हैं। इनको मैं अभी रिपोर्ट करूंगी, जब रिपोर्ट करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट है ये आईवी जेरेनियम, ये जेरेनियम की ही एक वैरायटी है। इसको आईवी जेरेनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेल की तरह ग्रो करता है, जैसे हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छा लगता है। नीचे को इसके जो ब्रांचेज हैं जब लटकती हैं फूल खिलते हैं तो देखने में सुंदर लगते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास इसके 2 पौधे थे, इस टाइम पर तो वो पौधे ख़त्म हो चुके हैं इनके जो मदर प्लांट है, लेकिन इनकी कुछ कटिंग मैंने बचा ली थी। आप देख सकते हैं इनकी कटिंग को मैंने लगाया है, तो अगर आपके पास इनका मदर प्लांट इस टाइम पर बचा हुआ है तो इनकी कटिंग को आप लगा लीजिए। नेक्स्ट है ये क्रिसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। इस टाइम पर इनकी कटिंग अगर आप लगाओगे तो इनमें फ्लावरिंग थोड़ा लेट होगी, इस टाइम पर कटिंग को लगाते हैं तो लगभग जनवरी में जाके इनमें फ्लावरिंग होगी। ये जो आप मेरे पौधे देख रहे हैं इनको मैंने सभी को कटिंग से ही ग्रो किया है, मेरे जो मदर प्लांट बचे हुए थे। नेक्स्ट देखिए पेंटास, इस टाइम पर इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये भी परमानेंट ही पौधा है, लेकिन मैं इनकी छोटी छोटी सी सैपलिंग्स लेकर के आई थी तो अभी मेरे पौधे छोटे हैं तो इनकी कटिंग कहीं से अभी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आपके पास इनका मदर प्लांट है तो उसकी कटिंग को आप लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल भी इसको बोलते हैं, ये भी विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करती है, तो इसको भी कटिंग से आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। अगला पौधा ये हरसिंगार या फिर पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसकी भी 4 से 5 इंच की आप कटिंग लीजिए और लगा दीजिए, विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और देखिए जितने भी पौधे आज मैंने आपको बताए हैं इन सभी को फ्री में आप अपने गार्डन में कैसे ऐड कर सकते हैं, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस या फिर पार्क में आपको ये पौधे ज़रूर मिल जाएंगे, तो वहाँ से इनकी कुछ कटिंग मांग करके ले आइए। मांगने से हर कोई दे देता है ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करके हम लोग देख सकते हैं। तो जो पौधे हमारे पास नहीं है उनको हम कटिंग मांग करके ला सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, इन पौधों की कटिंग को आप लगा लीजिए, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।